हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने टूल डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूं वो है रिबिट गन। और ये मैनुअल रिबिट गन नहीं है, ये है ऑटोमेटिक रिबिट गन। कैसे करती है काम, क्या है इसके फीचर्स, कैसा है इसका परफॉर्मेंस, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जिन लोगों को नहीं मालूम रिबिट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको चार दिख रही हैं ये होती हैं रिबिट। ये काम में आती है किसी भी दो मेटल को जोड़ने में, या आप कोई दो पाइप जोड़ सकते हैं, दो मेटल जोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से जुड़ जाती हैं। और जहां पर आप स्क्रू या फिर नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार स्क्रू या नट बोल्ट खुल जाएंगे बट ये रिबिट कभी भी ना ढीली पड़ती हैं और ना ही खुलती हैं। यदि आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये बटन की तरह दिखेंगी और लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं। रिबिट गन कैसे काम करती है ये जानने से पहले हम समझ लेते हैं अपने टूल को। तो ये जो है ये है हमारी मैनुअल रिबिट गन। इसकी हम आज बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक रिबिट गन की। इसके लिए मैं इसको रख देता हूँ साइड में। तो ये है हमारी ऑटोमेटिक रिबिट गन। जब आप लेंगे तो आपको इसके साथ तीन चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा आपको ये एडेप्टर, फिर आएगा आपको ये हैंडल, और ये आएंगे साथ में तीन कैप। और ये कैप को खोलने के लिए यहाँ पर एक पाना दिया है, और इस रिबिट गन का ये होता है हेड। हेड खोलने के लिए ये यहाँ पर एक पाना है जिसकी मदद से आप इस हेड को खोलेंगे। ये जो रिबिट गन है बेसिकली ये ड्रिल मशीन का अटैचमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बिट है जो आपके ड्रिल मशीन में ऐसे लग जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ड्रिल मशीन का अटैचमेंट, और ये इसका हेड है। और जैसा मैंने आपको बताया जो तीन आपको नट दिख रहे हैं बेसिकली एक कैप है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यदि आप गौर से देखेंगे तो इन तीनों के अंदर जो होल का साइज है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिबिट के साइज अलग अलग होते हैं। जैसे ये मेरे पास रिबिट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ रिबिट बहुत ज़्यादा मोटी हैं और फिर कुछ बहुत ज़्यादा पतली हैं। तो कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, इसलिए उनके अलग अलग साइज़ के हिसाब से ये अलग अलग कैप दे के रखे हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं कैप को अपनी रिबिट गन में। इसको आप जस्ट ऐसे लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने कैप इसके हेड पे लगा दिया है। ये हैंडल है, इसको लगाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो ग्रिप अच्छी आती है और आप फिर आराम से काम कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी रिबिट है ये अंदर फंस जाती है, ये बाहर निकलती नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें इसको बाहर खोल के निकालना पड़ता है। ज़रा मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने खोल लिया हमारा हेड। कभी अगर आपकी रिबिट अंदर फंस जाए तब आप इसको खोल के ऐसे बाहर आराम से निकाल सकते हैं। अभी ज़रा मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी ये रिबिट गन कैसे काम करती है। आप इस रिबिट गन को किसी भी मशीन में लगा सकते हैं। अब इसको लगाते कैसे हैं, आप जस्ट इसको इंसर्ट करिए ड्रिल मशीन के अंदर। ये मैंने इंसर्ट किया और मैं यहाँ से ड्रिल को अपनी टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये लग गया यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका हैंडल लगा लेता हूँ। मैंने हैंडल भी कर दिया इसका टाइट और ये मेरी रिबिट गन हो गई अभी रेडी। अब हम जोड़ते हैं दो मेटल को और देखते हैं कि कैसे करती है काम। अब रिबिट वर्क कैसे करती है ये मैं जरा आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने लगाई रिबिट। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे अपनी गन। ये देखिए, ये मैंने लगाया इसको। अब मैं जरा इसको चलाना स्टार्ट करूंगा। अब आप देखेंगे कि रिबिट यहाँ से मुड़ती जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, और जैसे ही रिबिट लग जाएगी तो ये यहां से टूट जाएगी। अब मैं जरा आपको कैमरा आगे से दिखाता हूं तब आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये यहां पे हमने अपनी रिबिट लगाई है और ये जो है यहां पे इसमें टूट के इसके अंदर है। ये फिर ऐसे आपकी पिन टूट के बाहर गिर जाएगी। चलिए, तो अब ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं जहाँ पे मैंने कुछ होल करके रखे हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं रिबिट की मदद से।
अब हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये लगा ली रिबिट और मैंने इसको फिट कर दिया अपनी इस गन में। अब मैं गन चलाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी रिबिट लग चुकी है और अब मैं इसको रिवर्स फॉर्म में गन को घुमाऊंगा तो मेरा जो टूटा हुआ पोर्शन है वो बाहर आ जाएगा। और ये रही हमारी रिबिट जो हमने लगाई है। चलिए तो अब मैं आपको एक चिटकनी लगा के दिखाता हूँ। आप इसको किसी भी ऑल्मोनियम के डोर पे या फिर विंडो पे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं ऑल्मोनियम का ये बार यूज कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी मैंने मैनुअल रिबिट गन से लगा के दिखाया था। अब यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक रिबिट गन से आपको ये चिटकनी लगा के दिखाता हूँ। अब हम लगाते हैं अपनी चिटकनी। ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रखा और इसके अंदर मैं एक रिबिट इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने रिबिट इंसर्ट करी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी जो गन है रिबिट गन इसको इसके अंदर इंसर्ट करूंगा। ये मैंने इंसर्ट किया। अब मैं इसको चलाना स्टार्ट करूंगा। ये देखिए ये टूट गई है रिबिट और टूटने के बाद इसके अंदर है। अब मैं इसको रिवर्स में चलाऊंगा तो ये बाहर आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये बाहर आ चुकी है और ये गिर गई। अब हम एक और रिबिट फिट कर लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी अच्छी है हमारी रिबिट गन। आप चाहे तो मैनुअल रिबिट गन यूज कर सकते हैं जो कि ये है, बट इसमें अच्छी खासी ताकत लगती है। इसके लिए ये जो ऑटोमेटिक रिबिट गन है इसको यूज करना बहुत ही आसान है। अब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मुझे मिली है 1200 रुपए में, मगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट के अंदर इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं। तो ये आपको 1200 से 1600 रुपए के बीच में मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से जाके भी आप इसको खरीद सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। और यदि आपको मशीन या टूल्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।